प्रदेश सरकार तहसील दिवस को समस्याओं के निस्तारण के लिए आयोजित करती है, जिससे तहसील में फरियादियों की समस्या का निस्तारण हो सके। लेकिन जालौन की कोंच में तहसील में जिला अधिकारी नरेंद्र शंकर पांडे की अध्यक्षता में आयोजित तहसील दिवस में अधिकारी नदारद रहे, जिस पर जिला अधिकारी का गुस्सा देखने को मिला और उन्होंने अनुपस्थित रहने वाले पीओ डूडा के एक दिन के वेतन रोकने के निर्देश दिए। कोंच में आयोजित माह के प्रथम तहसील दिवस में जिला अधिकारी नरेंद्र शंकर पांडे ने फरियादियों की समस्या को सुना, साथ ही अधीनस्थों को निर्देश दिए कि सभी समस्याओं का जल्द निस्तारण किया जाए, जिससे शासन को इसकी रिपोर्ट भेजी जा सके। तहसील कोंच के तहसील दिवस में आज कुल 163 प्रार्थना पत्र आए हैं, जिसमें फौरी तौर पर मौके पर ही 7 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया गया है। अवशेष प्रार्थना पत्रों पर संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि एक सप्ताह के अंदर उस पर कार्यवाही सुनिश्चित करें, और जो अधिकारी आज अनुपस्थित रहे हैं उनका आज का वेतन अदेय किया गया है। इस प्रकार की कोई विशिष्ट कार्यवाही नहीं की गई है, जो अनुपस्थित रहे हैं उन अधिकारियों का वेतन अदेय किया गया है, तथा जांच के उपरांत आज की तहसील दिवस की दरखास्तों में जांच के उपरांत जो दोषी पाए जाएंगे उनको दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं है, और यदि ऐसा जो करता पाया जाएगा उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।